नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 7 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। वही दूसरी सूची में 17 नए चेहरे हैं और 10 विधायकों के टिकट कट भी गए हैं। इस लिस्ट में 14 एसटी वर्ग के उम्मीदवार और 6 एससी वर्ग के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इससे पहले 15 अक्टूबर को पार्टी ने पहली सूची जारी की थी, जिसमें 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने 83 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का खुलासा कर दिया है, जबकि भाजपा की ओर से 86 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर और कोंडा गांव में बीजेपी उम्मीदवारों की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इस दौरान अमित शाह सभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि अमित शाह के दौरे की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की गई हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद ये दूसरी बार है जब अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने 16 अक्टूबर को राजनांदगांव जिले में चुनावी रैली को संबोधित किया था। राज्य में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। बिग बॉस विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव बुधवार को डांडिया शो में बिलासपुर पहुंचे, जहां फैंस का उन्होंने जय जौहर से अभिवादन किया। एल्विश ने करीब 40 मिनट तक बॉलीवुड और हरियाणवी सॉन्ग पर परफॉर्म किया। उन्होंने कई गाने भी गुनगुनाए। इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ आतिशी स्वागत किया गया। डांडिया शो में एल्विश यादव को देखने और उनके गाने सुनने बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रहे। कांग्रेस ने गुरुवार को अपनी दूसरी सूची में 53 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कुल 83 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 7 सीटों पर नामों की घोषणा होनी अभी बाकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भाजपा ने अपनी 3 सूचियों में कुल 86 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब 77 सीट ऐसे हैं जहां दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का चेहरा आमने सामने आ चुका है। भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का पत्ता नहीं खोला है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।